सरोजनी नगर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सरोजनी नगर से इतना खाली आ रही हूँ। जब मैं वीडियो बना रही थी ना सरोजनी नगर की, तो दो तीन दुकान वाले थे या फिर पता नहीं कौन था, बोलते कि रुको रुको रुको, वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एडवोकेट ने मेरी फोटो चुरा ली है। फोटो चुराना पता कितना बड़ा जुर्म है। तो अभी मैं रेडियो के घर से निकल चुकी हूँ। सीरियसली यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मुझे जाना है अभी सरोजनी नगर। काफ़ी टाइम बाद, लाइक 8-9 महीने हो गए होंगे मुझे सरोजनी नगर नहीं गई हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड। और साथ में आ रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो अभी चलते हैं। और अभी मैं हूँ नोएडा सेक्टर 50। किसी एंगल से ही सरोजनी नगर है, मतलब इसकी सारी जो साइड साइड वाली शॉप थी ना वो सारी बंद करवा दी है, तो बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। मतलब सही भी लग रहा है, कोविड वैसे ही इतना कम हुआ है, अब बीच में फिर से बढ़ गया था, तो उसकी वजह से क्राउडेड इतना ज़्यादा नहीं है। बट यार मंडे है तो इस हिसाब से ठीक ही है। सो जैसे मैंने वीडियो में पहले दिखाया कि सारे स्टॉल्स बंद थे और थोड़े बहुत स्टॉल जो थे वो शॉप के अंदर लगा रखे थे, सो उनमें से ये एक है एंड ये सिर्फ 250 रुपीज़ के थे और इसमें हील्स एंड फ्लैट्स थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी थे। सो आपको ना सिर्फ सरोजनी नगर में ऐसी शॉप्स ही दिखेंगी जहाँ पे ये वाले टॉप्स मिलेंगे जो आपको बाहर स्टॉल पे भी मिलते थे। सो इस शॉप में जितने भी टॉप थे वो 250 रुपीज़ के थे और मोस्टली आपको यहाँ पे सिंपल डिज़ाइन वाले टॉप मिलेंगे। बट इस शॉप में कलर रेंज बहुत अच्छी थी, मतलब आपको सारे ट्रेंडी कलर्स मिल जाएंगे एंड टॉप की क्वालिटी भी प्राइस के अकॉर्डिंगली अच्छी थी। तो नेक्स्ट मुझे मोबाइल कवर की एक शॉप दिखी और ये सारे कवर इतने प्रिटी थे ना, आपको यहाँ पे हर टाइप के कवर मिल जाएंगे, लाइक सिंपल चाहिए सिंपल मिल जाएंगे और अगर आपको ग्लिटर में चाहिए ग्लिटर में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग प्राइस इनका 130 था और आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। अरे दे तू मेरे को मार दे, उधर से आ रही थी। मैंने भाई सब कुछ बोल चुका था, मेरे को बाद में याद है इसने पीछे से गाने लगा रखे हैं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे 2 वीडियोस में आ रखा है मेरे, तो मैं बता दी कि मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ आज सरोजनी नगर आके, इतनी दूर से आई नोएडा से गर्मी में घूम के, एकदम इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, कुछ मिला ही नहीं भाई सरोजनी नगर में। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सरोजनी नगर से इतना खाली आ रही हूँ, मतलब मैंने पैसे निकाले तो मेरे को लगा सारे खत्म हो जाएंगे, भाई कुछ भी खत्म नहीं हुए, मतलब कम ही खत्म हुए। जब मैं वीडियो बना रही थी ना सरोजनी नगर की, तो दो तीन दुकान वाले थे या फिर पता नहीं कौन था, बोलते कि रुको रुको रुको, वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाई उनको डरा दिया, मेरे को लगा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, सब वीडियो ही तो बना रही हूँ, वो तो हमेशा बनाती थी। तो फिर बोलता कि नहीं नहीं मैडम वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा क्यों? बोलता कि अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला क्यों अलाउड नहीं है? तो बोलता बस नहीं है अलाउड। तो मैंने बोला कि भाई, फिर मेरे बहुत पास आ गया वो, तो मैंने बोला कि बनाने दो कोई बात नहीं। फिर बोलता, फिर बहस करने लग गया। मैंने बोला जिसको प्रॉब्लम होगी मेरे पास आ जाएगा बोलने के लिए। फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन वो पीछा कर रहा था मेरा। तूने बताया नहीं कि मेरा दोस्त एडवोकेट है? चांटे मारेगा गाल पे। हाँ, मेरे को उसको ये बोलना चाहिए था, बेटा अभी आ रहा है, अभी आ रहा है चांटे मारने, बाहर ही खड़ा हुआ है, आ रहा है अभी वो इतनी देर से। भाई एक तो इसने दिमाग खराब कर दिया फोन कर करके, मेरे को फोन कर करके तो थोड़ा सुसु करने गया बस अभी आ रहा है। और सेकंड चीज क्या हुई बताए, आज से पहले मेरे पीछे कोई वो जो सरोजनी नगर में बेचते नहीं रहते आते हैं, तो आज मेरे पास एक आया एप्पल के एयरबड्स ले लो नाम। अच्छा। पीछे पड़ गया भाई, पीछे पड़ गया, लिटरली पीछे पड़ गया। इससे फोन पे बात कर रही थी मैंने, यू कर रही शायद उसने देख लिया मेरे पास आईफोन। हाँ। है पीछे पड़ गया मेरे के, एयरबड्स ले लो, एयरबड्स ले लो। अब तो रिच हो गई ना। बोलता मैडम चोरी का माल है, चोरी का माल है, चोरी का माल है, सस्ते में दे दूंगा, सस्ते में दे दूंगा। कोठी कब ले रही है? पंजाबी बाग में कोठी, बस पंजाबी बाग में शादी करनी है मेरे को अब, और फिर जो मेरा पति होगा उससे बोलूंगी कि अब तो कोठी ले ले। इससे भी मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये पहली बार व्लॉग में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो अब मेरे को आ रही है असली मजे व्लॉग बनाने में।
मोटिवेट तो बता दे कि मैंने किया है। हाँ, लेकिन इसने कोई मोटिवेट नहीं किया मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। चांटे मारो ना, इसने मेरे आईफोन में, जो मैंने आईफोन लिया जब, तब इसने मेरे को ना थोड़े बहुत पैसे दिए, तो मैं इसे बोलूँ कि हाँ इसने मेरे को मोटिवेट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये मेरे से गधों की तरह सामान उठवाता है। ये 3 लीटर घी लेके आई भाई, कोई मतलब इतना अच्छा दोस्त हो सकता है? 3 लीटर घी कायडा से उठा के लेके आई हूँ, और पूरे सरोजनी नगर में मैं उसके साथ घूमी हूँ, और जो मैंने सामान लिया उसको भी डाला है। उसके बाद इसने मेरे को वेट कराया थोड़ी देर आगे। आईफोन 13 बर्थडे तेरा गया, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। जॉब भी लग गई, तेरी भी लग गई जॉब। हमारी जॉब की कोई पार्टी नहीं होती, हम एडवोकेट हैं, हमें पैसा नहीं मिलता। हमको पैसा नहीं मिलता, इज्जत है। अगर मेरे से कोई रैंडम पर्सन पूछेगा कि क्या करते हो, मैं बोलूंगी एमएनसी में हूँ, तो मेरी इतनी इज्जत नहीं होगी। लेकिन इससे कोई रैंडम पर्सन पूछेगा क्या हो, या एडवोकेट बोलेगा, तो भाई नाम ही अच्छा लगता है, नाम ही अच्छा लगता है, तो नाम की ही वजह से तो तू पार्टी दे। हम गलत आ गए हैं, गलत आ गए हैं। यहाँ से अंदर से भी है वैसे रास्ता, लेकिन ये फिर इनके अंदर से आएगा ना, तो फ्लैट के अंदर बाहर। अब हमें ये दोबारा से घुमानी पड़ेगी। यूटर्न पूरी, हाँ यार रुक जा, तू फ्लैट के अंदर से भी ले सकता है। वैसे मेरे को बहुत दिन हो गए ना, मेरे को इतना चीज याद नहीं है। क्या पता फ्लैट ले चल, मेरा तो कोई लॉजिक है ना, मेरे को व्लॉगिंग के लिए चाहिए था। बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे को मजा नहीं आ रहा था व्लॉग बनाने में, पोको X3 में। लेकिन यार वो मेरा पुराना फोन है, तो मैं उसको ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती। मैंने अपनी मम्मी के लिए पोको X4 ले लिया है यार, लेकिन पोको के कैमरे भी अच्छे हैं। मतलब जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे अभी, उसमें ऐसा है कि मेरी पहले वाली जो वीडियो थी ना, वो भी इतनी बेकार नहीं थी, उसमें भी क्लैरिटी अच्छी है। बट ये है कि मैं मेकअप वीडियोस बनानी थी, उसके लिए ही मैंने स्पेशली लिया ये फोन, क्योंकि जो एंड्रॉइड फोन है ना, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक बना देते हैं, मतलब वो एकदम नेचुरल नहीं दिखाते। तो फिर उसमें से जो मैंने मेकअप करा होता है, इतना खास नहीं बना लगता है ना। बट लेकिन आईफोन रियल दिखाता है ना, बिल्कुल। आई थिंक इधर जाना था यार। तू पागल पागल है क्या? स्कूटी थोड़ी ना है, कहीं भी मोड़ दो, मोड़ दे, यहाँ दिक्कत नहीं है। ये देख उसने बोले यहाँ क्यों मोड़ रहे हो, मैं तुझे बताऊँ यहाँ क्यों मोड़ रहे हो। आई नी मार्केट, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम था उसका, भूल भी गई हूँ, डोसा जंक्शन। हाँ, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा आती थी वहाँ पे खाने के लिए, चाउमीन और डोसा वहाँ का मुझे बहुत सही लगता है। ये भी आया मेरे साथ एक दो बारी, और बहुत टाइम से खाया नहीं, तो मैंने सोचा कि अभी चलते हैं वहीं पे, और इसलिए हम आ गए, अदरवाइज सरोजनी नगर से ही करने वाले थे। सो यहाँ चलते हैं। बोलेगा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं दोनों जरा मिलकर। ये स्टार्टिंग में कोई भी चीज आती थी ना, तो ये सीधा खाने लग जाता था, लेकिन जब से मेरे साथ आया ना, ये खाना आते पता क्या होता है, पता क्या होता है खाना आते पहले, सबसे पहले क्या होता है, स्नैप और व्लॉग। बोला हाय गाइस, तब हमने ऑर्डर किया ये और डोसा। मतलब ये दोनों चीजें ना इतनी फेवरेट है ना, जब भी मैं आती हूँ ना, यही चढ़ते हैं हम दोनों, है ना। पिछली बार भी आए थे तो यही हुआ था। मैंने ये खत्म भी कर दिया, शुरू कर दी है जो वो वाली टेबल है ना, वो वाली टेबल, उस वाली टेबल पर मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, वहाँ पर उस वाली टेबल पर पीछे वाली टेबल है, वहाँ पर मैं अपनी बहनों के साथ आई थी। जैसे एडवोकेट ने मेरी फोटो चुरा ली है, फोटो चुराना पता है कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ा जुल्म है पता है, जुल्म होता है ना, इतना बड़ा जुल्म। जुल्म जाने का टाइम आ चुका है। हीरोइन को देखो कैसे कैसे मतलब करते लोग यार। सो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उसके बाद में मिलेंगे अगर मुझे टाइम मिला तो। हाय राम, कितना बदतमीज आदमी है यार ये। इस बार पार्टी बनी थी, अगली बार ये देगा पार्टी, अब ये पार्टी के नाम से तो आएगा ही नहीं, अब बता रही हूँ सीरियसली। चलो गाइस चलते हैं, जाऊं जाओ मत जाओ प्लीज मत जाओ, मैं वो जाना पड़ेगा। बाय गाइस।